मणिपुर, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक राज्य है, बहुत सारे अलग अलग जातियों का घर है। मेईतेई, जो ज्यादातर हिंदू होते हैं, इम्फाल घाटी में रहते हैं और यहाँ की सबसे बड़ी आबादी है। कुकी, जो ज्यादातर ईसाई होते हैं, आसपास की पहाड़ियों में रहते हैं। यही भौगोलिक और सांस्कृतिक विभाजन इस झगड़े की जड़ है। जमीन सिर्फ एक संसाधन नहीं है, यह पहचान, आजीविका और जीने के हेक्यू से जुड़ी हुई है। कुकी लोगों के लिए ये पहाड़ियां उनकी पुश्तैनी जगह हैं, उनके सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक सहारे का जरिया है। जमीन, संसाधन और राजनीतिक शक्ति को लेकर यह संघर्ष दशकों से तनाव भड़का रहा है। हाल ही की घटनाओं ने इस सुलगते हुए संघर्ष को और भड़का दिया है। मणिपुर सरकार के कुकी इलाकों को आरक्षित वन घोषित करने के कदम को गुस्से और विरोध का सामना करना पड़ा है। कुकी इसे अपनी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल करने की एक बेशर्मी भरी कोशिश के रूप में देखते हैं, और भी ज्यादा उन्हें अपने ही राज्य में हाशिए पर धकेलने की कोशिश के रूप में देखते हैं। कोई सलाह नहीं लेना, उनके ऐतिहासिक दावों की अवहेलना और मेईतेई बहुसंख्यकों के पक्ष में पक्षपात ने इस विभाजन को और गहरा कर दिया है, जिससे हिंसा और विस्थापन का रास्ता साफ हुआ है। कुकी इलाकों को आरक्षित वन घोषित करना केवल एक पर्यावरण नीति नहीं है, यह चल रहे जातीय संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा है। यह कदम, जिसे कुकी लोग मेईतेई प्रधान सरकार द्वारा रची गई जमीन हड़पने की साजिश के रूप में देखते हैं, ने भय और असुरक्षा को जन्म दिया है। पीढ़ियों से कुकी लोग जंगलों के साथ सद्भाव में रहते आए हैं। उनका जीवन प्राकृतिक वातावरण के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। उनके गांव, उनकी आजीविका, उनका अस्तित्व अब खतरे में है। सरकार का तर्क है कि ये उपाय संरक्षण के लिए और अफीम की खेती को रोकने के लिए जरूरी है। हालांकि कुकी इसे एक बहाने के रूप में देखते हैं, उनकी जमीनों और संसाधनों पर नियंत्रण करने का एक तरीका के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी, प्रभावित समुदायों के साथ सार्थक परामर्श का अभाव और अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सख्ती ने उनके संदेह को और बढ़ा दिया है। जबरदस्ती बेदखली, घरों और आजीविका का विनाश ने एक मानवीय संकट पैदा कर दिया है, जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और मौजूदा तनाव और बरहाई मालस गया है। संघर्ष के सबसे खतरनाक पहलुओं में से एक है दूसरों को अलग थलग करने की कहानी, जो अक्सर कुकी के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मणिपुर में अपने लंबे इतिहास के बावजूद उन्हें अक्सर बाहरी, विदेशी या यहां तक कि अवैध अप्रवासी के रूप में ब्रांडेड किया जाता है। यह खतरनाक बयानबाजी, जिसे अक्सर सोशल मीडिया और राजनीतिक भाषणों के जरिए फैलाया जाता है, उनके दावों को नकारने की कोशिश करता है, उन्हें ऐसे घुसपैठियों के रूप में चित्रित करता है जो देशी मेईतेई आबादी के लिए खतरा हैं। यह कहानी मणिपुर में विभिन्न समुदायों के साझा इतिहास और एक दूसरे से जुड़े होने की उपेक्षा करती है। यह भय और संदेह के माहौल को बढ़ावा देती है, जिससे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व असंभव हो जाता है। कुकी लोगों को अपनी ही जमीन पर अजनबी महसूस कराया जाता है, उनकी पहचान पर सवाल उठाया जाता है, उनकी अपनेपन को चुनौती दी जाती है। यह अलगाव हिंसा के औचित्य के रूप में कार्य करता है, एक खतरनाक माहौल तैयार करता है, जहां नफरत भरे भाषण आसानी से नफरत भरे अपराधों में बदल सकते हैं। मणिपुर में जातीय संघर्ष को राजनीति के दायरे से अलग नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दल, जो अक्सर संकीर्ण एजेंडे और चुनावी हिसाब किताब से प्रेरित होते हैं, ने अपने फायदे के लिए मौजूदा फूट का फायदा उठाया है। एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करके उन्होंने तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे शांतिपूर्ण समाधान की किसी भी उम्मीद को और भी मायावी बना दिया है। राजनेताओं ने अक्सर भड़काऊ बयानबाजी का सहारा लिया है, अपने वोट बैंकों को मजबूत करने के लिए जातीय नफरत की आग को हवा दी है। संघर्ष के मूल कारणों, जैसे भूमि अलगाव और आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने इसे दशकों तक बढ़ने दिया है। न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाधान की दिशा में काम करने के बजाय राजनेताओं ने अक्सर कम से कम प्रतिरोध का रास्ता चुना है, दीर्घकालिक शांति और स्थिरता पर अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता दी है। जातीय पहचान के इस निंदनीय हेरफेर के विनाशकारी परिणाम हुए हैं, जिससे पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और राज्य को अराजकता के कगार पर धकेल दिया है। किसी भी संघर्ष में
अक्सर महिलाओं को ही हिंसा का खामियाजा भुगतना पड़ता है। मणिपुर का हाल भी कुछ अलग नहीं है। कुकी महिलाओं को निशाना बनाए जाने, यौन हिंसा के अकथनीय कृत्यों का शिकार बनाए जाने की भयावह खबरें सामने आई हैं। ये कृत्य केवल संपार्श्विक क्षति नहीं है, वे युद्ध के जानबूझकर और सुनियोजित हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल पूरे समुदाय को अपमानित करने, आतंकित करने और अपने अधीन करने के लिए किया जाता है। इन महिलाओं पर हुए अत्याचार का असर पीढ़ियों तक परिवारों और समुदायों पर पड़ता है। इन अपराधों को लेकर दंड से मुक्ति की संस्कृति बेहद परेशान करने वाली है। अपराधी अक्सर यह जानते हुए भी दंड से मुक्ति के साथ काम करते हैं कि उनके न्याय का सामना करने की संभावना नहीं है। जवाबदेही की कमी उन्हें और भी ज्यादा बोल्ड करती है, हिंसा के एक ऐसे चक्र को बढ़ावा देती है जिसका कोई अंत होता नहीं दिखता है। इन महिलाओं द्वारा अनुभव किया गया आघात अकल्पनीय है और निशान शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही बहुत गहरे हैं। उनकी कहानियों को सुनने, उनकी आवाजों को बुलंद करने और न्याय दिलाने की जरूरत है। मणिपुर में हिंसा के कारण संपत्ति का व्यापक विनाश हुआ है और बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। कुकी गांवों को जलाकर राख कर दिया गया है, उनके घर और आजीविका जलकर खाक हो गए हैं। चर्च, स्कूल और सामुदायिक केंद्र, जो उनके धर्म और संस्कृति के प्रतीक हैं, को निशाना बनाया गया है और नष्ट कर दिया गया है। विनाश का पैमाना चौंका देने वाला है, जो कुकी समुदाय पर की गई क्रूरता का प्रमाण है। हजारों कुकी अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, अस्थायी शिविरों या सुरक्षित इलाकों में रिश्तेदारों के साथ पनाह मांग रहे हैं। इन आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के सामने एक धूमिल और अनिश्चित भविष्य है। उनका जीवन उजड़ गया है, उनके सपने चकनाचूर हो गए हैं। मणिपुर में सामने आ रहे मानवीय संकट पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इन विस्थापित परिवारों की बुनियादी जरूरतों, भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन तत्काल राहत से परे दीर्घकालिक पुनर्वास और सुलह की जरूरत है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र कुकी लोगों की पैतृक भूमि है। मणिपुर में शांति और सुलह की राह लंबी और कठिन है। जख्म गहरे हैं, हिंसा के निशान ठीक होने में पीढ़ियां लग जाएंगी, लेकिन इस अंधेरे के बीच भी उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं। नागरिक समाज संगठन, धार्मिक नेता और आम नागरिक इस विभाजन को पाटने, बातचीत और समझ को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयास अक्सर बहुत बड़े व्यक्तिगत जोखिम पर इस अंधेरे समय में आशा की किरण प्रदान करते हैं। बातचीत ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक सार्थक और समावेशी संवाद जो ऐतिहासिक शिकायतों, अन्याय की भावना और इस संघर्ष को हवा देने वाले डर को दूर करता है। इसके लिए सहानुभूति, दूसरे के दृष्टिकोण को सुनने और समझने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह किए गए अपराधों के लिए जवाबदेही, पीड़ितों के लिए न्याय और एक ऐसे भविष्य के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता की मांग करता है जहां इस तरह की हिंसा अकल्पनीय हो। अधिक अपडेट के लिए कृपया झालिंगम मीडिया को सब्सक्राइब करें।